दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है नकली रुपए कैसे छपते हैं और नकली रुपयों को आसानी से आप कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास भी आपको बताते चलें। भारत में कागजी रुपयों का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जर्नल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत में कागजी मुद्रा जारी की, जो देश में पहली पेपर मनी थी। लेकिन पहला कागजी मुद्रा का नोट यानी 10 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा वर्ष 1861 में पेश किया गया था। आइए देखते हैं नकली नोट कैसे छपते हैं। पूरी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर किसी तरह आपको पता चल जाए कि नकली नोट कैसे छापते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अगर ऐसा हो गया तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन असल में ये इतना आसान भी नहीं है। नकली नोट छापना अपने आप में एक कला है और ये हर किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, भले ही आज कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे आ गई हो, लेकिन नकली नोट छापना मतलब दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर को मात देने जैसा है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल कभी न कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर नकली नोट छपते कैसे हैं और इन्हें कौन बनाता है, और इंडिया में ऐसे कौन से लोग हैं जो सरकार की नजरों से बचकर नकली नोट छापते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो इससे पहले शायद ही आपको पता हो, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2013 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक नकली नोट छापने के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। और तो और, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में चल रहे 2000 के नोट में 56% नोट नकली है। इसका मतलब अगर आपकी जेब में 2000 के 4 नोट मौजूद हैं, तो हो सकता है उसमें से 2। इसलिए सरकार ने 2000 का नोट वापस अपनी बैंक में ले लिया क्योंकि वो नोट ज्यादा चलते थे। नकली हो, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत, इन नोटों से आप मार्केट में सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि नकली नोट छापने वाले लोग आम इंसान से कहीं ज्यादा चालाक होते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, 4 ऐसे तरीके हैं जिनमें कोई भी आम इंसान नकली नोट छाप सकता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं आखिर हमारे देश में नोट छापने का इतिहास कितना पुराना है। दरअसल हुआ यूं कि 1938 में पहली बार RBI को महसूस हुआ कि उन्हें इंडिया के लिए नोट छापने चाहिए, और फिर इंडिया में पहली बार 1938 में नोट छापे गए। 1938 में शुरू हुआ नोट छापने का सिलसिला लगातार चलता रहा, और देश की आजादी के बाद इसमें समय समय पर कई तरह के बदलाव हुए। लेकिन धीरे धीरे देश में टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा और कुछ लोगों ने जाली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया, और 1996 में पहली बार RBI को महसूस हुआ कि उन्हें अपने नोटों की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, मतलब अधिक सिक्योर नोट छापने चाहिए, और इसके बाद नए नोटों की छपाई शुरू कर दी गई। समय समय पर 19-20 के बदलाव के साथ ये नोट मार्केट में आते रहे, लेकिन 2000 के बाद कंप्यूटर का जमाना आ गया और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी, इसीलिए मार्केट में जाली नोटों की संख्या भी बड़ी तेजी से। 2000 का वो भी नोट 99% जाली चले थे बढ़ने लगी। इसी चीज को ध्यान में रखकर 2016 में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट ही बंद कर दिए। इस तरह मार्केट में घूम रहे 1000 और 500 के जाली नोट अपने आप ही खत्म हो गए, और इस तरह मार्केट में नए 500 और 2000 के नोटों की एंट्री हो गई। इन नोटों पर सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर बनाए गए थे, जैसे कि नया 500 का नोट पुराने 500 के नोट के मुकाबले साइज में छोटा था, और इस पर सी थ्रू रजिस्टर भी लगाया गया है। इसका मतलब अगर इस नोट को लाइट के सामने लाया जाए तो यहाँ पर 500 लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमारी RBI केवल यहाँ थोड़े रुकने वाली थी, उसने ठीक इसी सी थ्रू रजिस्टर के नीचे लेटेंट इमेज भी लगा दी, जिससे अगर कोई इंसान 500 के नोट को 45 डिग्री एंगल पर घुमाकर देखेगा तो वहां पर 500 लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पुराने नोट की तरह इसमें भी गांधी जी के वाटर मार्क को ऐड किया गया, इसलिए दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानदार 500 का नोट लेते समय इसे ऊपर नीचे करके देखता है ताकि ये सारे फीचर दिखाई दे और वो तसल्ली करके उस नोट को ले ले। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि RBI ने इन नोटों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि बिना आंखों वाला व्यक्ति भी इन्हें आसानी से पहचान सकता है। दरअसल 500 के नोट पर दोनों तरफ कुछ लाइंस बनी होती हैं, जो बिल्कुल 3D लाइंस की तरह होती है, इसलिए इन्हें छूकर भी आसानी से पहचाना जा सकता है। इन सब के अलावा लास्ट में एक ऐसी चीज आती है
जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नोट असली है या नकली। 500 के नोट में लेफ्ट साइड में बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में 500 इंडिया लिखा होता है, जिसे माइक्रो लेटर्स कहते हैं। किसी भी नकली नोट में इस तरह के माइक्रो लेटर लिख पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कुछ भाई लोग कहां मानने वाले हैं, जैसे मार्केट में नए 500 और 2000 के नोट आना शुरू हुए, इन भाई लोगों ने नकली नोट छापना शुरू कर दिया। इसलिए NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 2000 के कुल नोटों में 56% नोट नकली हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि भला वो कौन से लोग हैं जो इतने सारे नकली नोट छाप लेते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नकली नोट छापने वाले लोग बहुत ही पढ़े लिखे और होनहार होंगे, लेकिन दरअसल ये सबसे बेवकूफ और कामचोर लोग होते हैं जिन्हें जेल की हवाई तो अच्छी लगती है। ऐसे लोगों की वजह से देश में भ्रष्टाचार फैलता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के लगभग हर बड़े शहर में कोई ना कोई नकली नोट छापने वाला मिल ही जाएगा। खैर, इस बात से याद आया कि हमारे देश में केवल 4 प्रिंटिंग प्रेस ऐसी है जहाँ पर नोटों की छपाई होती है, देवास, नासिक, मैसूर और सलबोनी। और RBI का साफ साफ कहना है कि इन 4 प्रिंटिंग प्रेस के अलावा अगर कहीं भी नोटों की छपाई की जाती है तो उन्हें जाली नोट माना जाएगा, भले ही वो नोट असली क्यों ना हो। मतलब इन 4 प्रिंटिंग प्रेस से छपने वाले नोट ही असली माने जाते हैं। और इसके अलावा हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता में भी 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर हमारे चिल्लर बनाए जाते हैं। चिल्लर मतलब सिक्के। खैर, इधर उधर की काफी बातें हो गई, अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। आखिर जाली नोटों की छपाई कैसे की जाती है, और अगर भारत सरकार की माने तो 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे जाली नोट छापे जा सकते हैं। नंबर 1, प्रोसेस मेड फॉर्जरी। इस तरीके से भाई लोग असली वाले नोट की जीरोक्स कॉपी कर लेते हैं। जीरोक्स कॉपी बनाने के बाद भाई लोग इसमें कई तरह की रंगबाजी करते हैं, लेकिन आखिर असली तो असली होता है। कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जीरोक्स कॉपी असली नोट से बिल्कुल अलग दिखती है और इसका कलर भी असली जैसा नहीं होता। इसलिए कोई बच्चा भी देखकर इसे आसानी से बता देगा कि ये नोट नकली है, लेकिन कोशिश करने वाले फिर भी कोशिश करते हैं। खैर, उन्हें छोड़िए और अब हम नकली नोट बनाने के दूसरे तरीके पर आते हैं। नंबर 2, हैंड एनग्रेव्ड ब्लॉक्स। दोस्तों, अक्सर आपने शादी विवाह के कार्ड बनते समय इस टेक्निक को देखा होगा। जिस तरह हम बचपन में पेंसिल से स्क्रैच करके पेंटिंग बना देते थे और कभी कभी सिक्के को पेपर में दबाकर हूबहू उसकी फोटो बना देते थे, ठीक उसी तरह इसमें भी नोटों की छपाई की जाती है। लेकिन पहले वाले तरीके की तरह इसमें भी कलर और पेपर देखकर कोई भी बता देगा कि ये जाली नोट है। नंबर 3, फोटोग्राफिक प्रोसेस। दोस्तों, आपने किसी फोटोग्राफर को तो जरूर देखा होगा जिस तरह एक फोटोग्राफर फोटो लेने के बाद अंधेरे कमरे में जाकर उस फोटो को सेंसिटिव पेपर पर उतारता है। उसी तरह कुछ लोग अंधेरे कमरे में जाकर असली नोट की फोटो को सेंसिटिव पेपर में उतार देते हैं और फिर इन नोटों को असली जैसा दिखाने के लिए इन पर कलरिंग और टोनिंग की जाती है। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये जाली नोट बिल्कुल ओरिजिनल नोटों की तरह दिखने लगते हैं और किसी आम इंसान के लिए इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए नोट बनाने के सारे तरीकों में फोटोग्राफिक प्रोसेस सबसे टिकाऊ तरीका है। लेकिन सभी फोटोग्राफर भाई लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग अपना काम छोड़कर यार ये सब मत करो। नंबर 4, लिथोग्राफिक प्रोसेस। वैसे दोस्तों, आप इस तरीके से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। दोस्तों, आपने कई कलाकारों को पत्थर पर बनी आकृति से कलाकृति करते हुए देखा होगा, ठीक उसी तरह कई लोग लिथोग्राफिक स्टोन पर नोटों की आकृति छाप लेते हैं और उसकी मदद से कागज पर नोटों की ड्राइंग करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तब सामने आती है जब असली नोटों पर बनी छोटी छोटी लाइंस और सिक्योरिटी वाली चीजों को पत्थर की मदद से छापना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आखिर कलाकार तो कलाकार होता है, इसलिए भाई लोग कई तरह के ऑयल और वाटर कलर की मदद से ये सिक्योरिटी लाइन भी छाप लेते हैं। इस तरीके से छापे गए जाली नोटों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहता है ना कि जौहरी को अच्छी तरह से पता है कौन सा हीरा असली है कौन सा नकली। नंबर 5, हैंड ड्रॉन फॉर्जरी। ये तरीका तो बिल्कुल सीधा और हाथ की सफाई वाला है, जहां कोई इंसान अपनी कलाकारी दिखाते हुए असली नोट की नकल करके कागज पर ड्राइंग बनाता है। लेकिन अब भला कोई इंसान इतनी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग कैसे बना सकता है, और इसे बनाने में काफी समय भी लगता है। लेकिन कोशिश करने वाले फिर भी करते हैं और अपना लक आजमाने के चक्कर में कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, और फिर जब पुलिस के हाथ में उनकी पिटाई होती है ना, तब इन्हें असली नोट की पहचान हो जाती है। दोस्तों, आए दिन हमारे देश में नकली नोट छापने वाले कई रैकेट पकड़े जाते हैं, लेकिन सवाल ये आता है क्या ये लोग इतने सारे नकली नोट छाप सकते हैं जितने नकली नोट आए दिन पकड़े जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, 2020 में मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत सारे नकली नोट पकड़े गए जो पाकिस्तान में छापे गए, और गहराई से छानबीन करने पर ये सामने आया कि नोटों पर मिलने वाले वैक्स पिक क्यूटेंट, पॉलीविनाइल अल्कोहल और pH वैल्यू और तो और पेपर की मोटाई तक पाकिस्तान के लीगल डेटा से मैच कर रही थी। तो इसका ये मतलब निकलता है क्या पाकिस्तान चोरी छुपे इंडियन करेंसी को छाप रहा है?
आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में देना। तो दोस्तों अब चलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।